बड़ी खबर इंदौर से, जहां महिला से घर वालों ने ही कर दिया गैंगरेप। जी हां, ससुर और जेठ पर दुराचार करने का आरोप लगा है। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। पति ने भी पिता का साथ दिया है। पीड़िता ने थाने पर दर्ज कराई रिपोर्ट और राजेंद्र नगर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जी हां, खबर है इंदौर की। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला आया है, जहां एक 25 वर्षीय महिला ने घरवालों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है। आरोपी ससुर ने अपनी पत्नी का स्वर्गवास होने के बाद बहु फरियादिया पर रकम चोरी का आरोप लगाकर थाने पर रिपोर्ट लगाने की धमकी देकर बहु के साथ रेप किया है। इस घटना का जेठ विक्की को पता चला तो जेठ ने भी फरियादी को डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म कर दिया, जिसकी शिकायत फरियादिया ने अपने पति से की तो पति ने फरियादिया को डराया धमकाया और बोला कि इस मकान में रहना है तो मेरे पिता और भाई दोनों का कहना मानना पड़ेगा, जिसके बाद ससुर और जेठ द्वारा निरंतर फरियादिया के साथ दुष्कर्म करते रहे। फरियादिया द्वारा अधिक प्रताड़ित होने के बाद जहर खा लिया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया, जहां ठीक होने के बाद ससुर और जेठ महिला से ज्यादती करने लगे और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। ससुर और जेठ की जबरदस्ती से परेशान महिला ने थाने राजेंद्र नगर में शिकायत दर्ज की है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।